नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले में एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाओ का अभियान चल रहा, तो दूसरी तरफ विरोध भी, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा। आज प्रशासन ने नरौली से कलेक्ट्रेट कचहरी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और नालियों और पटरियों पर अतिक्रमण की अस्थाई व अस्थाई निर्माण को हटाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान पिछले एक सप्ताह से नगर में चल रहा। लगातार प्रशासन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज यूओ नगर पालिका व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल ने नरौली से कलेक्ट्रेट तक सघन अभियान चलाया। इस दौरान नालियों पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के अस्थाई व अस्थाई निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी का माहौल रहा। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण समय समय पर शासन व प्रशासन की तरफ से चलाया जाता है, उसी के तहत पूरे नगर क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पहले लोगों को नोटिस जारी की जा रही है, अब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार चलता रहे। ये शासन तथा जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा समय समय पर और जिला प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद के सहयोग से चलाया जाता है, ताकि यातायात में कोई बाधा ना हो। उसी अनुक्रम में ये पूरे शहर में अभियान निरंतर प्रत्येक दिन चलाए जाएंगे और जहां भी कोई अतिक्रमण पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये अभियान कितने दिनों चलेगा? ये अभियान अनवरत चलता रहेगा जब तक कि पूरे शहर में पूरी सफाई नहीं हो जाती है। जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या पहले से उनको नोटिस दी गई है? हाँ, इनको नोटिस दी गई है, पहले से आगाह भी किया गया है। यदि पुनः इसको कोई अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। पुनः अतिक्रमण चालू हो गया है, इसके लिए इसकी जाँच करके पुनः कार्रवाई करेंगे और जो लोगों ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कितने तक का जुर्माना रहेगा? इसमें जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपये तक का लगाया जाएगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।